कोफ्ता। तो चलिए जी शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए जी बनाते हैं मटन कोफ्ता। सबसे पहले हम कोफ्ते की ग्रेवी के लिए प्याज लहसुन और टमाटर को हम बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 1.5 कप पानी डालती हूँ पॉट में, और ये प्याज मैंने जो है एक लिया है मीडियम साइज का, और इस तरह मैंने जो है लहसुन वो उसकी मैंने एक गट्टी ली है, और दो मैंने अदर यहाँ पे टमाटर लिए, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। जितनी देर में हमारे ये प्याज लहसुन और टमाटर बॉईल होते हैं उतनी देर में हम कोफ्तों के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। चले जी अब हम कोफ्ते तैयार करते हैं। कोफ्ते तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने मटन का कीमा लिया है और ये 1/2 kg है। सबसे पहले मैं इसे डालती हूँ चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जहाँ से लेते हैं गोश्त या कीमा, तो आप कांदार से कहिएगा कि 2 से 3 बार मशीन से निकाल दे ताकि कोफ्ते बनाने में आसानी हो, क्योंकि कीमा अच्छे से अगर पीसा हुआ होगा तो कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, वरना कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं प्याज। प्याज जो है मैंने एक छोटे साइज के लिए मोटा सा काट लिया है इसको। यहाँ पे अदरक लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। इस तरह मैंने यहाँ पे अनारदाना लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के पीस लिया, ये भी मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज मिर्च लिया है, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और इसी तरह यहाँ पे मैंने सब्ज धनिया लिया है, ये भी मैंने मोटा सा काटा हुआ है, और इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 2 से 3 टेबल स्पून है। अब इसमें जाएंगे मसाला जात। मसाला जात में मैंने 1 चाय का चम्मच सूरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, और 1/4 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये सब इसमें जाएंगे मसाले। यहाँ पे मैंने भुने हुए चनों का पाउडर लिया है और इनको मैंने पीस लिया है, ये यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जाएंगे। अब इसमें जाएगी 2 अंडों की सफेदी। सफेदी डालने का यही फायदा है जो आपके कोफ्ते हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे। चलिए जी अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला, वो मैं आपको बताना भूल गई थी, मतलब कि चॉपर में डालना भूल गई थी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाला में जो मैंने इसमें डाला था वो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। हाथों पे ऑयल को जो है वो मैं लगा लेती हूँ और कोफ्ते तैयार करते हैं। कोफ्तों का जो साइज है वो आप अपनी मर्जी के लिहाज से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैंने कोफ्तों में लहसुन नहीं डाला क्योंकि कोफ्तों में स्मेल आनी, तो मैंने अलादा पानी में पकने के लिए रख दिया ताकि उसकी ग्रेवी वहीं पर तैयार कर लूँ। ये देखिए जी कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। कोफ्तों की ग्रेवी के लिए हमारा जो प्याज लहसुन और टमाटर है वो बॉईल हो गया है। अब ये जो टमाटर है इनका मैं छिलका उतार लेती हूँ। टमाटर का जो छिलका है वो मैंने उतार लिया था, अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँ। ये देखिए जी मैंने इसको मैश कर लिया है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालती हूँ 1/2 कप। साथ जाएंगे इसमें मसाले, 1/4 टीस्पून में यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि 1 चाय का चम्मच जो है मैंने कोफ्तों में डाला है, और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ग्रेवी में डाल दिया। इसी तरह मैं 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे भी मैं जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच यूज़ कर रही हूँ, और इसी तरह धनिया पाउडर भी यहाँ पे 1 चाय का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। 2 से 3 अदद छोटी इलायची डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसी तरह मैं यहाँ पे 1 चाय का चम्मच अदरक डाल रही हूँ। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने 1 प्याली दही डाला है। दही डालने वाला जो क्लिप है वो मुझसे स्किप हो गया, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 प्याली दही ऐड किया है। साथ में इसमें डालती हूँ सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद। अब इनको हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि इनकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए जी मसाले की जो बनाई है मैंने अच्छे से कर ली है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1/2 कप पानी। चूल्हे की जो आँच है वो आप फुल तेज़ कर दें, और पानी जो है इसे हम गर्म होने देते हैं थोड़ा सा, फिर हम इसमें कोफ्ते रखते जाएंगे।
जो है वो आपको पता ही है मैंने यहाँ पे तेज़ फुल की हुई है और मैं इसको कवर नहीं करूँगी, इसी तरह रखूँगी और इसे तेज़ आँच पे मैं इनको इस तरह पकने दूँगी। अगर मैं आँच को हल्की करूँगी और कवर कर दूँगी तो जो कोफ्ता है वो टूट जाएगा। मिनट मैंने कोफ्तों को तेज आंच पे पकाया है ताकि जो इसकी बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। और पानी मैंने यहाँ पे पहले एक कप इसलिए यूज़ किया था जो कोफ्ते और उसका जो ग्रेवी है वो जले ना। अब आप देखिए खुले हाथ से जितना मर्जी आप चम्मच हिला सकते हैं जो आपका कोफ्ता देखिए टूटेगा। ये देखिए जी यहाँ पे जो मैंने पानी डाला था वो मैंने अच्छे से प्रेशर कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ 2 कप। आप अपने कोफ्तों के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितना आपको शोरबा चाहिए और उतना आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप यूज़ करूँगी। और ये जो जर्दी हैं ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। और यहाँ पे चूल्हे की जो फ्लेम है वो मैं मीडियम टू लो कर देती हूँ, इसको कवर कर देती हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए इनको पकने के लिए रख देती हूँ। बीच में मैं इसको 1-2 बार चेक कर लूँगी। ये देखिए जी 7 से 8 दिन मैंने इनको किया है, अभी ये फूल पके नहीं है कोफ्ते हमारे। अब इस स्टेज पे आके आप लौंग का पानी डालें। लौंग जो है मैंने 4 अदर लिए हैं और उनको मैंने पीस लिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया। अभी इसमें डाल देती हूँ। ये लौंग का पानी मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि इससे जो है कोफ्तों में बहुत अच्छी खुशबू आई। अब आप इनको मैं फिर से कवर कर देती हूँ, उनको पकने के लिए रख देती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते हो गए हैं तैयार। अब मैं थोड़ा सा इस पर धनिया डाल देती हूँ। कोफ्तों को तैयार करने में मुझे यहाँ पे टोटल 30 से 35 मिनट लगे। अब मैं इसे निकालती हूँ बर्तन में। लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से मटन कोफ्ता हो गए हैं तैयार। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।